नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि अपने अपने स्थान पे सब आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो क्लासें चल रही हैं उनको देख रहे होंगे और उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आप भी करोगे। तो ये प्रत्यय का टॉपिक आज हम लेके चलेंगे। पहले अपन ने पढ़ा लिया उपसर्ग की क्लासें ली है, तो जो जिसकी भी छूट गई हो वो टेंशन मत लेना, आप यूट्यूब पे जाना और देख लेना पार्थ एजुकेशन क्लासेज में। तो ये है ना पढ़ते वाला टॉपिक उपसर्ग का, ये है ना। तो CRPF, पैरामेडिकल, इन एग्ज़ाम्स के लिए हम टारगेट लेके चल रहे हैं, तो इनकी तैयारी के लिए है ये। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर भी आएगा जो हम ये आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, तो आज अपना टॉपिक होगा प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लग के, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय अंत में लग के, अंत में लग कर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे इनके कुछ उदाहरण हैं देखना, जैसे कि पाठ, इसके आगे लग गया अक, तो ये क्या हो गया पाठक, ये हो गया पाठक। समाज प्लस इक, इसके आगे जुड़ गया इक प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो गया सामाजिक, क्या हो गया सामाजिक। प्रत्यय आगे लग, अंत में लग के अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं, नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। तो अपने हिंदी के अंदर दो प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं। एक तो पहला तो है, हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय हैं, हिंदी में दो प्रकार की प्रत्यय होते हैं, जिसमें पहला तो है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो अपन पहले पढ़ेंगे कृदंत प्रत्यय को, कृदंत प्रत्यय हैं वे शब्दांश जो धातु या क्रिया की, क्रिया पदों के मूल रूप में जुड़कर, ध्यान से सुनना, वे शब्दांश जो धातु या क्रिया पदों के मूल रूप में जुड़कर, इनके मूल रूप में जुड़कर यानी कि पीछे नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। वे शब्दांश जो धातु या क्रिया पदों के मूल रूप में जुड़कर, नए शब्द का, निर्माण
करते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कृदंत प्रत्यय होते हैं 5 प्रकार के। कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कृदंत प्रत्यय पांच प्रकार के बताए गए हैं। आप है ना अपनी नोटबुक में जैसे ही बता रही हूँ ना वैसे के वैसे नोट्स बना लेना, ये आपके बहुत आगे तक काम में आएंगी। ये ना हो कि आपको बार बार नोट्स बनाने पड़े, यानी कि बार बार क्लास लेनी पड़े, एक ही बार में नोट्स बना लेना। पहला है कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, वो नहीं होते बोलते हैं क्या अपन, कर्ता ने कर्म को करण से, 3 तो ये हो गए करणवाचक, ये 3 तो ऐसे याद रख लेना। और चौथा है भाववाचक, भाववाचक। और पांचवा है क्रिया बोधक, क्रिया बोधक। कृतवाच्य बोलते हैं कार्य को करने वाला, कृतवाच्य होता है कार्य को करने वाले को कृतवाच्य होता है कहते हैं, कार्य को करने वाला। तो इसमें हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द बनते हैं इसमें कृतवाच्य में, प्रत्यय और प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो पहला है पहला प्रत्यय है अक। तो अक से बनने वाले प्रत्यय हैं पाठक, लेखक, गायक, यानी गाना गाने वाला गायक होता है, धारक। अक प्रत्यय लगने से ये शब्द बनते हैं पाठक, लेखक, गायक, धारक। दूसरा है अक्कड़, भुलक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। पियक्कड़
तीसरा है अपने पास आख, आख तो आख से बनने वाले पत्ते होंगे चालाक, तैराक और लड़ाक। लड़ाक चौथा होगा आलू, आलू से बनने वाले शब्द होंगे झगड़ालू, दयालु। पांचवा है आड़ी, खिलाड़ी। अनाड़ी छह नंबर का होगा वाला, रखवाला। घर वाला, हिम्मत वाला। सात नंबर का होगा ईयल, अड़ियल, सड़ियल। आठ नंबर का होगा एरा, लुटेरा, सपेरा, सवेरा। नौ नंबर का होगा एया, खिवैया, सिवैया। रवैया, गवैया। और रखैया। दस नंबर का होगा अपने पास ओड़ा, ओड़ा से बनने वाला प्रत्यय शब्द होगा भगोड़ा, ग्यारवा है ता, दाता, ज्ञाता, वक्ता, श्रोता। और बारवा है क, रक्षक, भक्षक। ये हो गए अपने कृतवाचक प्रत्यय, कार्य को करने वाला प्रत्यय, जिसमें है अक, अक्कड़, आक, आलू, आड़ी, वाला, ईयल, ईयल, एरा, एरा, एया, ओड़ा, ता, के, ये इत्यादि। अब अगला देखेंगे हम कर्मवाचक प्रत्यय, अगला कौन सा होगा कर्मवाचक वाक्य प्रत्यय। टॉपिक लगा लेना, यहाँ पे दूसरा डाल लेना कर्मवाचक प्रत्यय।
क्रमवाचक प्रत्यय। क्रमवाचक प्रत्यय हैं प्रत्यय और प्रत्यय से बनने वाले शब्द तो पहला तो है इसमें ओना, ये एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ मैं आपको। वैसे तो पूरी क्लास ये अपलोड कर दूंगी मैं, फिर देख लेना आप। नी ओना खिलौना, बिछोना, लेखनी, सूंघनी, सूंघनी वो जो नसवार भी होती है, सूंघनी नसीली चीज़ें होती है ना, ओढ़नी, ओढ़नी जो लेडीजे ओढ़ती है ना सिर पे, वो चुनड़ी लुगड़ी ये बोलते हैं उनको। लेखनी जो लिखने के काम में आते हैं अपने, उसे लेखनी बोलते हैं। अब है करणवाचक, कौन सा है तीसरे नंबर का है अपने पास करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक प्रत्यय क्रिया के कारण को बताने वाला, करणवाचक को बोलते हैं क्रिया के कारण को बताने वाले प्रत्यय। जो क्रिया के कारण को बताए ना, वो प्रत्यय करणवाचक होते हैं।